नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बाउंड्री पार। मैं हूं मनोज जोशी। बहुत दिनों से ये मांग रही है कि बाउंड्री पार के इस अंक में हम लोग पीएसएल के बारे में क्यों नहीं दिखा पा रहे ज़्यादा। अब क्योंकि वो वक्त आ गया है पीएसएल के बारे में बताने का, क्योंकि आपको दुनिया भर में स्पोर्ट्स की इवेंट्स भी नहीं चल रही, क्रिकेट की इवेंट नहीं चल रही, आईपीएल नहीं चल रहा है, वो मुलतवी कर दिया गया है, और तमाम जो सीरीज़ थी उनको भी मुलतवी कर दिया गया है, और सिर्फ चर्चा है दुनिया भर में तो वो है पीएसएल की, यानी पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग का नाम आते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लीग है, ऐसे समय में हो रही है जबकि लंबे समय तक पाकिस्तान में क्रिकेट का बोलबाला नहीं था। क्रिकेट चाहने वाले लोग तो बहुत थे लेकिन क्रिकेट उनको नसीब नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पीएसएल में सब कुछ बदल गया है, सारी फिज़ा बदल गई है, और यहाँ पर जो अच्छी टीमें थी, ग्लैडिएटर्स की टीम, वो जो पिछली बार की चैम्पियन थी, इस बार वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच पाई। जी हाँ, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, वो दो बार की चैम्पियन है लेकिन वो टीम भी इस बार सेमीफाइनल में नहीं पहुँच पाई। मुल्तान सुल्तान्स की टीम, जो आमतौर पर जो बॉटम रैंक की टीम मानी जाती रही है, वो इस बार जो है सेमीफाइनल में पहुंची, और वो भी एक चैंपियन की तरह, लीग में सबसे ज़्यादा अंक उसके नाम, और वो टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। तो मुल्तान्स का मुकाबला पेशावर जालमी के साथ होगा, पहला सेमीफाइनल, आप उसका लुत्फ उठाइएगा, मंगलवार को होगा, और उसके बाद जो है मंगलवार को ही दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा जिसमें दो टीमें होंगी, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। ये ऐसी दो टीमें जिनका प्रदर्शन में बड़ा उतार चढ़ाव सा रहा है, खासकर पेशावर की अगर हम और की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो है आज का जो दिन है, सोमवार का दिन है, यहाँ भी एक सेमीफाइनल हो सकता था, लेकिन पीसीबी का फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य, क्योंकि वो दोनों टीमों को बराबरी की स्थिति में रखना चाहती थी, क्योंकि अगर एक सेमीफाइनल आज होता और एक सेमीफाइनल मंगलवार को होता तो बुधवार को होने वाले फाइनल में एक टीम को लाभ मिल जाता, क्योंकि उसको एक दिन का अतिरिक्त आराम करने का अवसर मिल जाता। लेकिन अब दोनों टीमों को बराबरी का अवसर होगा और जो भी फाइनल में पहुँचेंगी। तो अगर हम बात करें रैंकिंग की या इस टूर्नामेंट की या इस लीग की, तो कुल मिलाकर जब भी T20 की बात होती है, T20 की रैंकिंग की चर्चा होने लगती है, वर्ल्ड रैंकिंग की चर्चा होने लगती है, T20 का परफॉर्मेंस देखा जाता है, और तो और ये देखा जाता है कि किसने कितने ज़्यादा रन बनाए। लेकिन मैं इन सब बातों से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। मेरा साफ तौर पर मानना है कि अगर आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी है T20 में, किसी भी लीग में, तो वो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। उसके लिए आप तैयारी कर लेते हैं, और अगर आपकी स्ट्राइक रेट वही 120, 125, 130 तक ही रहती है तो वो बहुत ज़्यादा आला दर्जे का प्रदर्शन नहीं माना जा सकता। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा बाबर आजम पर है। विद ड्यू रिगार्ड्स टू बाबर आजम, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि विराट कोहली के बाद दुनिया के सबसे चर्चित खिलाड़ी और एक ऐसे खिलाड़ी जो जिनका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात करें कुल मिलाकर उनके प्रदर्शन की, तो बहुत ही मैं कहूँगा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हुए भी मैं उनको पूरे 100 में से 100 अंक बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी नंबर एक है, सबसे रन भी उन्होंने बनाए हैं, और उसके बावजूद अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 125 से भी नीचे का रहा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आला दर्जे के खिलाड़ी के हिसाब से कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। और अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें, शादाब खान, जिनको मैं एक अच्छा फील्डर मानता था, एक अच्छा बॉलर मानता था, लेग स्पिनर, उनका प्रदर्शन जो है, उनका 160 का स्ट्राइक रेट है, रन भी उन्होंने ठीक ठाक बनाए हैं। इसके अलावा एक और बल्लेबाज हैदर अली, 158 का उनका औसत, कामरान अकमल जिनकी एक सेंचुरी है और उन्होंने उनका जो औसत है वो भी जो औसत क्या ये कहिए कि स्ट्राइक रेट 161 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। और यदि आप 2020 के क्रिकेट में अपने स्ट्राइक रेट को 160 या 160 के ऊपर नहीं ले जाते तो वो आपका बहुत अच्छा आला दर्जे का नहीं माना जा सकता ये स्ट्राइक रेट। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा, बाबर आजम को अभी अपने स्ट्राइक रेट में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रने बॉल खेलने से काम नहीं चलेगा। रने बॉल से थोड़ा आगे भी अगर आप खेलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बिल्कुल अलग है, यहाँ पर आपको अपने को और ज़्यादा अच्छा ले जाना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2019 में भी अगर हम देखें तो शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। विराट कोहली का 143 144 का था, रोहित शर्मा का उनसे नीचे था और शिखर धवन का तो उनसे भी नीचे था। तो अगर हम इनकी तुलना में विदेशी खिलाड़ी देखें, बल्लेबाज देखें,
तो उनका स्ट्राइक रेट कहीं ऊपर रहता है। तो ये हमारी एशियाई मूल के जितने भी खिलाड़ी हैं, एशियाई खिलाड़ी हैं, उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप क्रिस लिन को देखो, क्या लंबे शॉट्स मारते हैं, क्या उनका धाकड़ स्ट्राइक रेट रहता है। इसके अलावा बेन कटिंग देख लीजिए आप, बेन डक देख लीजिए, और शेन वॉटसन, एलेक्स हेल्स, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका औसत 160, 156 से लेकर 190 के आसपास रहा है। तो ये कुछ सी चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो पाकिस्तानी गेंदबाजों का प्रदर्शन बल्लेबाजों की तुलना में बेहतर रहा है। ज़्यादा विकेट उन्होंने चटकाए हैं, ज़्यादा उपयोगिता साबित की है विदेशी खिलाड़ियों की तुलना में। और यदि देखें सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने के मामले में, तो हसनैन ने सबसे ज़्यादा 15 विकेट चटकाए हैं। लेकिन अगर उनका इकोनॉमी रेट देखें, इकोनॉमी रेट गेंदबाजों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक रेट है, और उनका इकोनॉमी रेट 10 या 10 से भी ऊपर है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। शायद उसकी वजह यह हो सकती है कि जो हसनैन जैसे खिलाड़ी, मूसा जैसे खिलाड़ी, ये तमाम जो लीग चल रही है दुनिया भर में, वहीं से उपजे हैं, वहीं से निकल कर आए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी वगैरह ज़्यादा नहीं खेली है, खेली है तो बहुत कम खेले हैं, बहुत कम मैच खेले होंगे। लेकिन उनको अभी मैं समझता हूँ अपने इकोनॉमी रेट पर अगर T20 क्रिकेट खेलना है तो इस पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें अगर हम देखें इकोनॉमी रेट, तो अगर इसकी हम IPL से भी तुलना करें, या पहले हम PSL का ही आकलन कर लेते हैं। PSL में इस बार अगर प्रदर्शन की बात करें तो सोहेल तनवीर और सलमान अरशद और तीसरे शाहीन अफरीदी का 7.02 का है अभी तक का, और बाकी खिलाड़ियों का 6 कुछ का है। तो ये औसत अपने आप में ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनका औसत 8, 9 या 9 से भी ऊपर का है। इकोनॉमी रेट बहुत उस लेवल का नहीं रहा है। यदि हम इसकी तुलना IPL 2019 से करें, जो लास्ट IPL हुआ था, उसमें बुमराह का, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और तीसरे खिलाड़ी राहुल चाहर, इनका 6 कुछ का औसत रहा, तो इसका इकोनॉमी रेट रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इकोनॉमी रेट है वो काफ़ी मायने रखता है, और उसमें भारतीय खिलाड़ी जो हैं इकोनॉमी रेट के मामले में IPL के PSL की तुलना में बेहतर साबित हुए हैं, और उनका इकोनॉमी रेट काफ़ी अच्छा रहा है। इसी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है PSL के खिलाड़ियों को भी, और अपना इकोनॉमी रेट जब तक वो नहीं सुधारेंगे तब तक कितने भी आप विकेट चटका लीजिए वो बात बनने वाली नहीं है। तो अंत में जाते जाते आपसे यही गुजारिश कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और PSL के अब जो 2 सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं मंगलवार को, उसका दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि इस वक्त कोई और क्रिकेट नहीं चल रहा है। ये 2 सेमीफाइनल और उसके बाद बुधवार को होगा फाइनल मुकाबला। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कौन बनेगा इस बार चैंपियन, कौन बनेगा PSL का सिकंदर? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।